हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो पिछले दो कंटिन्यूसली ब्लॉग आप लोगों को रिवाल्सर के ऊपर में दिखा रहा था, उस पर आप लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। तो आज जो आप लोगों को कोई भी बाहर का हम ट्रैवल वगैरह नहीं दिखाएंगे, अपने घर में ही ब्लॉग बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेकर आए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए इस वाले ब्लॉग में। को दिखाया एक छोटा सा क्लिप डाला हुआ है, चलती फिरती बस आप लोगों के समक्ष मैंने शेयर की। तो चलिए मिलवाना चाहूँगा मैं बहुत ही मोहब्बत से आप लोगों को। यहाँ पर हमारे गांव का ये लड़का है और लड़का है, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप शिवम? नाइन्थ क्लास में ये पढ़ते हैं। तो प्रियंका फिफ्थ इसलिए बोल रही थी क्योंकि जब ये हमारी शॉप पर आता था तो बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था पहले। तो इसको देख के सच में अभी भी नहीं लग रहा है कि भी ये नाइन्थ क्लास का है, लेकिन इसके आर्ट का देखिए, इसकी स्किल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये देखिए, ये बस बनाई हुई है इसने। तो हमारे जो लोकल एरिया, ना ओनली लोकल, मतलब बद्दी नालागढ़ में भी चलती है बस, सरकार धर्मपुर से, भाई धर्मपुर से चलती है ये बद्दी नालागढ़ के लिए बस, पटियाल बस का नाम है। तो जो मालिक है पटियाल इन बसेस का, तो वो भी अगर हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख ले झलक एक, तो वो भी मतलब पहचान ना पाए, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा बोला ही नहीं जा सकता है कि भाई कोई भी चेंज है बस में, बिल्कुल पूरी की पूरी पटियाल बस ही लग रही है जो डेली मतलब ट्रेवल करती है यहाँ से धर्मपुर से बद्दी नालागढ़ के लिए। तो ये कहाँ से सीखा आपने, आप बताएंगे थोड़ा सा? मैंने कुछ सीखा है। तो कहाँ से मतलब बनाता था ये? ऐसे कैसे सीख लिया मतलब? पहले मैं स्कूलों में मॉडल वगैरह बनाता था। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में है भाई मैंने बस बनानी, फिर तब से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, या YouTube वगैरह या कुछ वीडियो वगैरह तुमने? वीडियो भी देखी थी एक दो बार। अच्छा, वीडियो उसके बाद पहले बनाई मैंने, फिर मेरे से ढंग से नहीं बनी, वो टूट गया, फिर उसके बाद फिर से मैंने प्रयास किया तो एक बन गई। फिर उसके बाद अभी पेपर हुए थे, उसके बाद मैंने फिर से एक और बस बनाई तैयार। अच्छा, पहले अब बाणी बस, बाणी के लिए बनानी एक बस, ठीक है बाणी बस, बाणी बहुत। तो अब अभी तक आपने कितनी गाड़ियां, कितने वाहन बनाए हुए हैं आप लोगों ने इस तरह से? अभी तक तो ये दूसरी गाड़ी है ना, अभी दो और बना रहा हूँ। अच्छा, दो और बना रहे हूँ। संजय साहिल, एक संजय साहिल है कबीर सेना और एक ठाकुर संजय साहिल इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो ये आपका दोस्त है, ये भी आपकी क्लास में पढ़ता है? नहीं, ये वो पढ़ता है सेवंथ। अच्छा, ये सेवंथ में पढ़ता है। अच्छा, चल मेरी बाणी के लिए बना देना एक छोटी सी बस, ठीक है? ठीक है, बना दे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को लाइट ऑफ करके भी दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से ही मतलब पूरा पूरा, अंदर से देखिए बंदे ने इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी किया हुआ है। तो देखिए लाइट जलती है बस की अंदर से भी, जैसे विंडोज वगैरह ये हैं, देख सकते हैं आप लोगों के सामने। हाँ, और डोर भी बना, ये ड्राइवर की डोर है, यहाँ से देखिए अंदर देखिए पूरा का पूरा बिल्कुल सेम इंटीरियर। देखिए थोड़ा सा मैं अब लाइट ऑन कर देता हूँ, ये देखिए अंदर लाइट है और वो वाओ कितना मस्त बनाया हुआ, देखिए बिल्कुल जो बस होती है उसी की तरह। और ये सनरूफ, और ये भाई ने सनरूफ बनाया हुआ है, देख सकते हैं वायरिंग वीरिंग की हुई है। तो अभी देखिए नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, और जो इसकी अच्छा डिक्की है, ये भी ओपन हो जाती है। वाह यार, डिक्की भी इसकी ओपन हो रही है, और ये सीढ़ियाँ जो बस की छत पर पहुँचते हैं, और ये दरवाजे भी खुल जाते हैं इसके जी। ये बैक डोर, ये बैक डोर है, देखिए बिल्कुल सेम जिस तरह के स्टेप होते हैं बस में उसी तरह के फ्रंट वाला खुल जाएगा जी। अच्छा अच्छा, फ्रंट वाला भी देखिए आप लोगों के सामने है। आपने मेरे को बताया, जानकारी दी कि आप ये बस वगैरह बनाते हो इस तरह से, कुछ और भी आपके पास स्किल है, कुछ और भी चीजें आप बनाते हो? हम एनजी बना देता हूं। तो क्या क्या? साइंस मॉडल हो गए, जैसे एक्सवेटर, कंस्ट्रक्शन की गाड़ी, वो भी बना दोगे? ट्रक वगैरह। अच्छा अच्छा, तो वो बहुत अच्छा यार, और सच में मैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके इस काम को देख के। बिल्कुल सेम टू सेम आपने बस बना दी है जैसे कि है रियल में जो दौड़ती है डेली रोड के ऊपर। तो भाई, तो मतलब किस तरह से, ये बताओ थोड़ा सा ना मेरे को आइडिया कि मतलब एकदम से कैसे सीखना स्टार्ट किया आपने? बचपन से शौक था इस तरह का, या मतलब किस तरह से ये शुरुआत हुई? बचपन से था। बचपन से शौक था आपको इस तरह से, हैं? और आपने अपने शौक को कन्वर्ट किया रियलिटी में, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये हमारे गांव में।
हमारी तहसील में, हमारे जिले में भी। तो और भी ऐसा नहीं है कि आप सिंगल ही होंगे, ऐसे और बंदे भी बनाते होंगे इस तरह से, लेकिन जी। हमारे जो नियर के एरिया में हैं तो हमने आपको देखा, तो आपकी इस स्किल को मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, तो आपको कोई वो तो नहीं है कि भी डालना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मत डालो, डाल सकता हूँ ना मैं वीडियो अपने चैनल के ऊपर? हाँ जी डाल दो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपको कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, नई नई चीज़ें सीखो अपनी लाइफ में, और हाँ बुरे कामों से बचो, गलत संगति में जाने से बचो, जिस तरह से आप इसमें हाँ टाइम लगा रहे हो, इसी तरह आगे बढ़ते रहना बेटा अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। इससे आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ टेरेसा से रिलेटेड कुछ वीडियो क्लिप्स, और ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मैं आज आप लोगों के क्वेश्चन के कुछ आंसर वगैरह देना चाहता हूँ, तो तब तक इनको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाणी को घुमा करके लेकर आ गई टेरेसा गाँव से, और सबके साथ जब गाँव में गई हुई थी तो गाँव के लोगों को देखा साफ सफाई करते हुए, तो टेरेसा ने बोला कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, लर्न करना चाहती हूँ इन चीज़ों को कि आप किस तरह से इन औजारों को चलाते हो। तो उनके साथ ये देखिए, ये ट्राई किया टेरेसा ने, और बहुत घुलिन मिसार भी थी पूरे के पूरे गांव में, जो भी मेम्बर्स मिल रहे थे तो सभी से इन्होंने बातचीत की। और फिर देखिए यहाँ पर जब ये हमारे घर में आई थी तो हमारे जो बाणी का स्टोर है, ब्यूटी पार्लर हमने खोला हुआ है, और साथ के साथ जो हमारी एक छोटी सी शॉप है वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हर एक चीज़ को, और अब देखिए ये फ्लोर को भी क्लीन कर रही है। तो हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को इज्जत करना नहीं आता है सत, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा ये आंसर देना चाहता हूँ इस चीज़ का, अगर हम इज्जत नहीं करते हैं टेरेसा की तो ये हमारे घर पर कंटिन्यूसली 8 सालों से क्यों आ रही है भाई? तो आप भी समझिए इन चीज़ों को, और मैं बाणी की शेयर करता हूँ कि मैंने कभी भी टेरेसा को ऐसा नहीं कहा कि आप क्लीन कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, ये खुद व खुद मतलब इतने समझदार हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं कि खुद मतलब पूरे की पूरी चीज़ों को इस तरह से करते हैं। जैसे ही हम गांव में जाते थे काम करने के लिए तो ये पीछे से पूरा का पूरा एकदम से हमें भी शॉकड कर देती थी कि कब जैसे इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं। और ये हालांकि ये मत सोचिएगा कि भी हाँ ये चीज़ें कर देती हैं तो ये वीडियो में कैसे कैप्चर होगी, हाँ मैं वीडियो में कैप्चर कर रहा हूँ अभी इनको, क्योंकि मैं खुद इनको मना कर रहा था बार बार, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। इन्होंने बोला कि ये एक छोटी सी चीज़ है, मैं इवन अपने घर में भी करती हूँ, अपनी गाड़ी को भी साफ करती हूँ, जब मैं कनाडा में कर सकती हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग कोई अलग नहीं हो, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर्स की तरह मैं आपको मानती हूँ, तो ये मेरे लिए कोई अलग बात नहीं है। और ऐसा मत सोचना कि भाई मैं आपकी गेस्ट हूँ, मैं एक फैमिली मेंबर हूँ और आपके घर में आती हूँ, एक फैमिली मेंबर की ही तरह यहाँ पे रहती हूँ। और टेरेसा सच्चे में खुद ब खुद मतलब यहाँ पे आती है, अपने रूम में आती है, कोई भी रोक टोक नहीं है, खुद ब खुद इसको इवन मतलब अपने रूम का पता है इनको, तो जब भी आती है तो अपने रूम में आ जाती है, अपना सामान रख देती है, हर एक चीज़ मतलब। और यहाँ पर भी देखिए बच्चों की कुछ हेल्प कर रही थी स्टडी वगैरह करवाने में, तो ये मैं अपने ताऊ जी के घर में इनको लेकर गया होता, तो उस टाइम पे जो मेरे ताऊ के बेटे के ये दो बेटे हैं इनकी मदद की इन्होंने। तो खैर इस चीज़ के ऊपर अब क्या ही बात करनी है, जो समझदार हैं वो खुद ब खुद समझ लेंगे हर एक चीज़ को, बाकी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट करने हैं वो कहते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।